हे ब्रोन, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो इस 3 दिन के बाद मैं आज अपना आईडी लॉगिन किया हूँ। आप लोग देख ही सकते हो मेरा रैंक स्कोर, मैं कितना ज़्यादा पीछे हो चुका हूँ। और मेरा भाई डेली मिशन भी यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन गाइस, मैं एक ऐसा ट्रिक यूज किया और पहला मैं जैसे ही स्टार्ट किया भाई, मेरे गेम में आ गए एकदम न्यू प्लेयर, मतलब कि नूब प्लेयर, नूब लॉबी आ गया। आप लोग यहाँ पे प्रूफ देख सकते हो भाई, पूरा नूब लॉबी आ गया। तो यार, मैं ऐसा क्या ट्रिक यूज किया जो भाई स्टार्टिंग में ही पहला मैच मेरा नूब लॉबी आ गया। अगर हर एक मैच में यही ट्रिक यूज करूंगा तो भाई हर एक मैच में भी नूब लॉबी आएगा। तो गाइस, मैं भी आपको ये ट्रिक बताऊंगा, टेंशन मतलब आप लोग वीडियो को एंड तक देखो। उससे पहले आप लोग यहाँ पे देख लो, ये नेक्स्ट्रा मैप है बीआर रैंक का, आप लोग ऊपर में मैप में देख ही सकते हो। तो यार, क्या सही में नूब लॉबी आया है गेम के अंदर? जो लॉबी भाई हमको दिखाई दिया वहाँ पे लॉबी में, क्या ऐसे बंदे सही में गेम के अंदर आए हैं? चलो ये पहले चेक कर लेते हैं। हाँ, अगर ऐसे बंदे आए होंगे तो मैं आपको ये ट्रिक शेयर कर दूंगा। तो यार, मैं जैसे ही देखा नूब लॉबी आया है तो भाई मैं यहाँ पे लालची हो गया और लैंडिंग किया। जैसे ही प्लेन में ऑप्शन दिया उतरने वाला और स्टार्टिंग में ही लैंडिंग कर दिया और सभी बंदा को मारूंगा सोच लिया था भाई मैं। और भाई खजूर में अटक गया था ऊपर में ही, जैसे कूदा मेरा एचपी डाउन हो गया। और यहाँ पे मैं एक मेडिकिट खोजा एंड मैं पूरा हेल्थ मेरा फुल कर लिया। अब यहाँ पे मेरे साथ एक बंदा आया था तो उसको मारने के बाद पता चल जाएगा कि नूब लॉबी आया है या फिर हार्ड लॉबी आया है, क्योंकि वो बंदा को देखने से पता चल जाएगा वो नूब है या फिर हार्ड लॉबी आया है, तो पता चल ही जाएगा। और गाइस, आपको मैं ट्रिक बता दूंगा, टेंशन मत लो, अभी बीच में ही वीडियो के बता दूंगा। बहुत ज़्यादा मेहनत लगा यार ट्रिक बनाने में और ट्रिक खोजने में, तो इसलिए तो गाइस थोड़ा बताऊँगा देर में। अभी सबर करो, रुको ज़रा। तो पहले कन्फर्म कर लेते ना नूब लॉबी आया है कि नहीं, तब ट्रिक आपको बताऊंगा, नहीं तो गाइस बोलोगे फेक ट्रिक बताता है तरुण भाई। तो चलो, वो बंदा कहाँ पे है देखते हैं पहले। तो मेरा लूट भी यहाँ पे हो चुका है, क्लोज रेंज का गन भी तो मिल चुका है मेरे को यार। चलो हाँ, मिल चुका है। और गाइस, मैं थोड़ा बहुत स्पॉन्सर अभी कर दे रहा हूँ भाई, तो आप लोग गुस्सा मत होना, क्योंकि यार मेरे को मोबाइल लेना है न्यू वाला, बहुत लेक हो रहा है आपको पता ही होगा। सो इसीलिए यार थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बस सॉरी बोलना चाहता हूँ आपको। और गाइस, न्यू फोन आएगा तो आपके साथ मस्त वाला खेलेंगे लाइव स्ट्रीम के साथ एंड गिव अवे वगैरह भी करेंगे, तो बहुत ज़्यादा मजा आएगा। सोचो लाइव स्ट्रीम करूँगा आपके साथ, खेलूँगा स्क्वाड में, तो टीम कोड देके कितना ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ये सब करेंगे यार, कोई यूट्यूबर आपके साथ लाइव स्ट्रीम में ऐसे करते नहीं हैं गाइस। अच्छा अच्छा फ़ोन है उनके पास, बट मेरे पास जैसे ही अच्छा फ़ोन आएगा गाइस, मैं आपके साथ ज़रूर लाइव स्ट्रीम पर खेलूँगा और सभी के साथ खेलूंगा। ऐसा नहीं कि गाइस इसके साथ नहीं खेलूंगा, ये टॉप अप करता है ये टॉप अप नहीं करता, गाइस मैं सभी के साथ खेलूंगा, जो टॉप अप करे या फिर ना करे, जो भाई अच्छे होंगे उनके साथ मैं ज़रूर खेलूंगा। और यहाँ पे देखो गाइस, ये तो कंफर्म हो गया कि नूब लॉबी आया है, क्योंकि यार देखो एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, ये बंदा को जैसे ही देखा पता चल गया मेरे को भाई नूब लॉबी आया है, तो मैं ज़्यादा ही जोश में आ गया और बेचारे को भाई मैं घुमा फिरा के हेडशॉट मारने की कोशिश किया, और इसी के चलते ही मेरा ज़्यादातर माइनस हो जाता है, क्योंकि मैं बंदा को ज़्यादा ही हल्के में ले लेता हूँ सामने वाले को, और मेरा बुया मिस भी हो जाता है। तो कैसे यार, कितना भी ज़्यादा नूब लॉबी आ जाए, आप लोग किसी बंदे को भी यार इतने ज़्यादा हल्के में मत लेना कि भाई वो आपको मार के चल जाए। मैं जब भी नूब लॉबी आता है गाइस ऐसे ही करता हूँ भाई, यार हल्का में ले लेता हूँ और गाड़ी लेके घुस जाता हूँ घर के अंदर, और बंदा तो नहीं मार पाता है 1v1 में, लेकिन थर्ड पार्टी होके भाई 2-3 बंदे आगे पीछे से मार देते हैं। अभी वीडियो आगे देखो आपको पता चल ही जाएगा। और मेरे को देखो यहाँ पे M10 मिल चुका है और M40 भी मिल चुका है। वैसे M10 के अंदर मैं 5 नंबर पे चल रहा था, 3 नंबर पे भी हो गया था मैं वो इंडिया के अंदर, लेकिन उसके बाद फिर आपको पता ही है क्या हुआ, मैं गेम छोड़ दिया खेलना और मन भी नहीं किया। तो यार मैं फिर से अभी उतर चुका हूँ M10 के अंदर 40 से, अब 30-40 नंबर के अंदर, उतना मैं ध्यान भी नहीं दे रहा हूँ अभी के टाइम पे। और भाई गेम खेलना तो दूर की बात, मैं गेम लॉगिन भी नहीं कर रहा हूँ भाई, सही में मैं गेम लॉगिन भी नहीं कर रहा हूँ। आप लोग मेरा प्रोफाइल देखते होगे तो आपको पता चलता ही होगा। सामने के साइड फाइट हो रहा है और 2 बंदे का फाइट हो रहा है, तो नूब लॉबी आया है भाई, जल्दी से जाते हैं और दोनों को मारेंगे। वैसे बंदा ऊपर में है लग रहा है मेरे को, ओके चलो दिख गया, मर जा भाई। हेडशॉट भाई लगा ही नहीं, हेडशॉट मैं हेडशॉट मारने की कोशिश किया यार, लेकिन एक ठोट लगा, बट रेड नंबर मारने की कोशिश किया था मैं, बट कोई बात नहीं यार। और एक बंदा था वो कहाँ गया,
बंदा तो दिख ही नहीं रहा यार मेरे को। ओहो शायद उसको मार दिया है गाइस। हाँ चलो उसको मार दिया ये बंदा, या फिर एक घर का ऊपर है पता नहीं, मेरे को फुटस्टेप तो नहीं आ रहा है, बट कोई बात नहीं, दो किल हो चुका है मेरा। पीछे से कोई मारा यार, ऊपर में है चच्चा। आ जा मार जा भाई, क्या ही डैमेज लग रहा है गाइस देखो, 38 का 40 का भाई यार, मज़ा आ गया यार M40 में हेडशॉट बहुत अच्छा लगता है। अब 3 किल मेरा हो चुका है और लॉबी भी उतना अच्छा नहीं आया है, कंफर्म हो चुका है कि न्यू प्लेयर ही आए हैं। लेकिन भाई ये इतना ज़्यादा डैमेज कैसे दे दिया, ग्लोल भी अच्छा लगाया है। कोई बात नहीं भाई, मैं नहीं डरता किसी से, चलो घुसते हैं सीधा। अब ये अच्छा है कि नहीं देखते हैं। हाँ यार ये थोड़ा बहुत अच्छा बंदा है, बट मेरे सामने नहीं, देखो बंदा, एक बंदा पीछे से, अरे क्या रेड नंबर लगा देखो। यही होता है यार, मतलब जितना भी नूब लोबी आ जाए या फिर हार्ड लोबी आए, भाई हार्ड लोबी में थर्ड पार्टी नहीं होता, बट नूब लोबी में आप लोग जाओगे मारने के लिए बंदों को तो गाइस ऐसे ही थर्ड पार्टी होता है, और एक बंदा को तो आप लोग इजीली मार दोगे 1v1 में, बट थर्ड पार्टी आगे पीछे से मारते हैं जो आपको भाई आप लोग बच ही नहीं सकते हो। और ऐसा नहीं कि सब बंदे बोर्ड नहीं होंगे कि भाई आपको फायर ही नहीं कर पाएंगे, बंदे फायर कर पाते हैं यार, और आप लोग तो देख ही सकते हो यहाँ पे मेरे को भाई कितना ज़्यादा मूवमेंट दिखाना पड़ रहा है अपना गेम प्ले के बेस पे। अभी तक मैं जिंदा हूँ, अगर मेरा गेम प्ले अच्छा नहीं होता भाई तो अभी मर चुका होता। तो यार ऐसा कोई भी वो नहीं है कि नूब लो भी आएगा तो भाई पूरा अच्छा से आप लोग खेलोगे और सभी को मार दोगे, आपका बुया मिस नहीं होगा भाई। सीधा बात बोल रहा हूँ, साफ साफ बोल रहा हूँ, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका स्किल, आपका गेम प्ले। देखो यहाँ पे ये बंदा भी मेरे को कितना ज़्यादा डैमेज देता है, इसका मतलब यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि गाइस थोड़े बहुत अच्छा लोग भी आया है, थोड़े बहुत नूब, मतलब कि 25 बंदे न्यू प्लेयर आए हैं, 25 बंदे थोड़ा बहुत एवरेज नॉर्मल आए हैं। तो यार रही बात नूब लोबी का, तो आपको मैं साफ साफ बता देता हूँ, कोई भी बंदा आपको वीडियो बना के बोलेगा कि मैं नूब लोबी का ट्रिक आपको बताऊंगा, नूब लोबी आता है सोलो के अंदर स्क्वाड के अंदर, तो ये सरासर गाइस फेक है, ऐसा कोई भी ट्रिक नहीं होता। नहीं तो जो बंदा ये ट्रिक बता रहा है गाइस वो हमेशा नूब लोबी ला के भाई टॉप 1 में नहीं बैठ जाता, क्या आप लोग खुद ही बताओ। उनके पास कुछ काम धंधा होता नहीं यार, बस व्यू छापने के लिए नूब लोबी आया है, हार्ड लोबी आया है, ये सा एस्टिमेटेड टाइम लगाओ, नूब लोबी आएगा, ये करो वो करो, नूब लोबी आएगा बोलते रहते हैं, बट रियल में ऐसा नहीं है। तो उनका वीडियो आप लोग देखा ही मत करो, वो लोग वीडियो बनाना छोड़ देंगे अगर आप लोग वीडियो देखोगे ही ना। हाँ जो बंदा रियल में पुशिंग करता है गाइस, रैंक पुशिंग करता है अच्छे से, उन्हीं को आप लोग देखा करो एंड सपोर्ट किया करो। आप लोग खुद ही बताओ गाइस हम लोग इतना, जैसे कि देखो हम लोग, जैसे मेरे को ही ले लो, मैं इतना पुशिंग करता हूँ, अगर मेरा नूब लो भी आता आप लोग खुद ही बताओ तो भाई मैं इंडिया में टॉप 1 नहीं कर लेता, क्या बताओ रीजन विंस के अंदर। और भाई मैं रीजन के अंदर भी भाई अभी मेरे टॉप 100 में भी नहीं हूँ, लेकिन टॉप 1 नहीं कर लेता, क्या बताओ नूब लो भी आ रहा तो हर एक गेम मेरा प्लस होता। तो यार ऐसा कुछ भी नहीं होता, जो बंदा भी आपको बोल रहा है गाइस ये सब फेक है। और ये गेम के अंदर नूब लोबी कैसे आया ये मैं आपको चलो बता देता हूँ। तो गाइस जैसे कि मैं आपको बोला है वीडियो के स्टार्टिंग में नूब लोबी लाने का ट्रिक आपको मैं बताऊंगा, तो मैं आपको उदास करना नहीं चाहता, थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ जिससे थोड़ा आपको हेल्प मिलेगा। बट गाइस नूब लोबी लाने का कोई भी ट्रिक नहीं है, गिरना वाला पागल नहीं है कि भाई ऐसा कोई ट्रिक बनाए, तो ग्लिच वगैरह गेम के अंदर है ये मैं मानूंगा, लेकिन नूब लोबी का कोई नहीं है ग्लिच, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ गाइस आपको करना क्या है, देखो आपको टाइमिंग के हिसाब से नूब लोबी मिलेगा, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ आप लोग समझ जाना। देखो जैसे रात को 2 बजे के बाद भाई नूब लोबी मिलेगा, सुबह सुबह को नूब लोबी मिलेगा आपको देखने को, और दोपहर में थोड़ा बहुत 2 बजे से 3-4 बजे तक नूब लोबी आपको देखने को मिल जाएगा। और देखो 2 गेम नूब लोबी लाएगा आएगा, और 2-3 गेम हार्ड लोबी आएगा, मेरे साथ ऐसे होता है, सभी बंदे के साथ ऐसे होता है, 1-2 गेम नूब लोबी आएगा गाइस, और 5-6 गेम ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड लोबी आएगा, और किसी किसी का गाइस 1-2 गेम हार्ड लोबी आता है और 5-6 गेम नूब लोबी आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक गेम नूब लोबी आएगा। तो यार आपका देखो 1 गेम माइनस हो गया, 2 गेम माइनस हुआ, पूरा हार्ड हार्ड बंदा आया, तो गिरना वाला भी इतना पागल नहीं है, वो भी थोड़ा तरस खाता है, और 3रा गेम आपको नूब लोबी देता है ताकि आपका प्लस हो,
और हर एक गेम अगर गिरना वाला हार देगा आपका माइनस पे माइनस हो तो आप तो पुश ही नहीं करोगे, तो गिरना वाला का तो फायदा होगा ही नहीं। इसीलिए गिरना वाला गैस ऐसा करता है और सिस्टम बना के रखा है, ऐसा ही चलते रहता है। तो ऐसा ही कुछ सिस्टम है रैंकिंग का। और एक बात गैस, अगर आप लोग का गेम के अंदर माइनस हो गया, एक गेम बहुत ज़्यादा हार्ड लो भी आया, थर्ड पार्टी हुआ, कैसे भी आपका माइनस हो गया, और एक गेम आप स्टार्ट किए उसमें भी बहुत ज़्यादा हार्ड लो भी आ गया और वो भी आपका माइनस हो गया, तो आप लोग डिमोटिवेट होके भाई गेम को बैक कर देते हो और गेम नहीं खेलते हो। लेकिन यहीं पे मेन मिस्टेक करते हो आप लोग, मेन गलती करते हो। अगर तीसरा गेम आप लोग स्टार्ट कर दोगे तो आपका थोड़ा बहुत नूब लो भी तो आ ही जाएगा और बोट लो भी आने का भी चांसेस है, बोट लो भी नहीं नूब लो भी आएगा। तो यार ऐसे मत क्या करो, लगातार आप लोग स्टार्ट करते रहो। माइनस होगा तो गैस जितना माइनस हुआ है इसको रिकवर करने का सोचो। ऐसा नहीं है कि गैस माइनस हो गया और नहीं खेलूँगा, जब नूब लोबी आएगा तब खेलूँगा। नूब लोबी को रुके रहने से कुछ नहीं होता। और यहाँ पे देखो गैस, ये बंदा मेरे को कैसे मार दिया मेरे को कुछ समझ नहीं आया। नूब लोबी आया है सोच के भाई मैं पूरा घुसे जा रहा था, बट ये बंदा सोनिया लगाया था इसीलिए ये बंदा मेरे को मार दिया और मेरा बुया मिस हो गया। इसका नाम देखो, ये नूब बंदा ही था, मतलब न्यू प्लेयर, बट यार मेरे को मार दिया तो मेरे को बहुत ज़रा बुरा लगा। तो यार आज का वीडियो कुछ यही था, आप लोग आई होप समझ चुके होंगे। तो यार चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।